26 अगस्त मेरा बर्थडे, मतलब ये सबकी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन होता है। मेरे लिए भी होता था, आज नहीं, आज से 20 साल पहले जब माँ हुआ करती थी। दुनिया के लिए, हर बच्चे के लिए तो माँ माँ ही होती है, लेकिन हमारे लिए मेरी माँ माँ नहीं थी, हम लोगों की खुशियों की चाबी थी, मतलब कि हमारी ज़िंदगी। वो ज़िंदगी अब हमारे पास नहीं, तो कोई बर्थडे नहीं मनता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। आज पूजा कर ही रही थी, भगवान के साथ साथ माँ की भी याद आ गई। माँ की याद तो रोज़ आती है, लेकिन ऐसे दिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ, तिवारी खानदान की मैं चिराग, और मैं शांति नहीं, उस समय बड़की हुआ करती थी। बड़की क्यों? क्योंकि 3 भाइयों में बड़े पापा के कोई बच्चे नहीं, चाचों की शादी नहीं हुई थी और मैं पैदा हुई। बाबा तो इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि जैसे मानो मतलब उनके घर में क्या हुआ है, पोती नहीं, पोतों से भी ज़्यादा प्यार मैंने अपनी लाइफ में पाया है। प्यार से मुझे सब बड़की बुलाते थे, क्योंकि पहली बार मैं अपने पापा को पापा, दादा को दादा, दादी को आजी कहने का हक अगर किसी को मिला तो वो मैंने दिया था। पूरा दिन मैं छोटी सी सबकी गोदी गोदी घूमा करती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं शांति नहीं, बड़की हुआ करती थी। दादा ने, पापा मुझे प्यार से बड़क लाल बुलाते थे, और मम्मी भी मुझे बड़की कह के ही बुलाती थी। सबकी प्यारी मैं क्या बताऊं, जैसी ज़िंदगी मैंने जी, लोग तरस जाते हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। बड़े पापा को मैं प्यार से पिताजी कहती थी। जब वो स्कूल से आते तो मुझको ही पाते थे, और बड़े पापा होने का उनको एहसास भी तो सबसे पहले मैंने कराया था, और जब वो दरवाजे पे आते मुझको ही पाते और घुरली घुरली कह के मुझे चिढ़ाते थे। बड़ी मम्मी भी तो मुझसे थोड़ा प्यार करती थी। जब मैं उनको बड़ी मम्मी कहती, थोड़ा सा वो ज़रूर मुस्कुरा के बड़की बड़की करती थी। अपनी बहनों की मैं दीदी, पूरा दिन दीदी दीदी घर में गूंजा करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं शांति नहीं, बड़की हुआ करती थी। दादाजी जब एक गिलास पानी मांगते तो वो मेरे से नहीं उठता था। दादा बोलते कि अपनी इस राजकुमारी को किसके घर की रानी बनाऊंगा, जहाँ पे दाल में तड़का तक ना लगाना पड़े। दादा मुझे शाम को हर रोज़ पढ़ाया करते थे, और वो दिन आज याद आ गया जब 26 अगस्त आया करता था। माँ गांव में केक नहीं मिलता तो 4 दिन पहले ऑर्डर देके बनवाया करती थी। लड्डू समोसा केक छोड़ो, पूरा भोज कराया करती थी। पापा मुझे पिंक फ्रॉक लाते थे और मम्मी मुझे पैंट शर्ट पहनाया करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि परिया जो है वो पिंक कलर ही पहनती हैं। उनको नहीं पसंद था कि मैं फ्रॉक पहनूं, वो मुझे पैंट शर्ट पहनाती और पापा मुझे फ्रॉक पहनाते थे। आसपास के लोग क्या, पूरा गांव आया करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं शांति नहीं, बड़की हुआ करती थी। बच्चों का बर्थडे तो मेरे ही केक पे मन जाया करता था, क्योंकि मैं सबकी दुलारी, अपने माँ पापा की प्यारी, परी में शांति नहीं थी, बड़की हुआ करती थी। माँ ने शांति नाम रखा क्योंकि वो शांति सो देखा करती थी। मंदिरा बेदी जितनी सुंदर, उससे भी ज़्यादा मुझे सुंदर मानती थी। मैं कहती कि मेरी बड़की बड़ी हो के कोई ऑफिसर बनेगी। बर्तन झाड़ू तो दूर की बात है, वो एक चम्मच तक नहीं छुएगी, क्योंकि इसको पढ़ा लिखा के मैं एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। मेरी बड़की देखना, एक दिन मेरा नाम रोशन ज़रूर करेगी। आज सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। माँ मुझे हमेशा घी रोटी खिलाया करती थी। बोलती थी, तुम बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो। बहुत ज़्यादा पतली थी मैं पहले, तो माँ बोल
बच्चे मजबूत हो जाया करते थे, जिस बेटी को वो अफसर बनाना चाहती थी। शायद उनको पता नहीं कि उनके जाने के बस 10 सालों बाद ही उनकी बड़की न किसी की माँ और किसी की पत्नी बन गई। मैं पापा की परी उनके साइकिल पे बैठ के पूरा कोरबा शहर घूम आया करती थी। उस समय कोरबा में पापा अपने डलिया में मुझे नहीं बिठाते थे, मानो जैसे पूरी जन्नत पूरी दुनिया पीछे माँ और आगे मैं बैठ के पूरा शहर में घूमा करती थी। और पापा से तोतली आवाज़ में पापा बिस्किट, पापा ब्रेड, पापा गुब्बारे सब कुछ मांगा करती थी। मैं अपने माँ पापा दादा दादी की नहीं बल्कि सबकी दुलारी हुआ करती थी, क्योंकि मैं अकेली थी जो बुआ लोगों को बुआ होने का एहसास दिलाई थी। और चाचू की चिट्ठियों में बस यही जिक्र हुआ करता था, क्या बड़की चाचू कहती थी, ये फिक्र हुआ करता था। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे, चाचू कंधे पे बैठ के पूरा गांव घुमाया करते थे। आज वो सभी लोग हैं, पर आपके जाने के बाद ना कोई रिश्ते हैं ना कोई कहने वाला है। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन हर बार हुआ करता था। माँ तीनी और बच्चों को मैं चलना सिखाया करती थी, उनका उंगली पकड़ के मैं उनको टॉफ़ी दिलाने ले जाया करती थी। और यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा टॉफ़ी और बिस्किट मैं ही खाया करती थी, मेरे मौसी का लड़का भैया और उनकी दो बेटियाँ। भैया मुझे तो भैया 1 महीने बड़ा था, लेकिन चुरैलिया सरली ना जाने कौन कौन से नाम मेरा रखा था। माँ जब छोटी थी तभी मैं आ गई थी, माँ तो मेरी माँ बनने के लायक भी नहीं थी उस समय, लेकिन माँ ने हम लोगों के लिए बहुत सपने देखे थे। स्कूल बहुत दूर था, लेकिन माँ मुझे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया करती थी। बोलती थी कि नहीं, जैसी ज़िंदगी मैंने जी है मैं अपनी बेटियों को नहीं दूंगी। और मम्मी जब भी बाजार जाती मेरे लिए सैंडल लाया करती थी। सबकी माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, लेकिन वो हमारी माँ नहीं, हमारा सब कुछ, हमारी खुशी, हमारी हंसी, सब कुछ थी। मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी ये कल्पना भी वो कभी कर नहीं सकती, क्योंकि वो मुझे क्या बनाना चाहती थी। आज माँ के सारे सपने अधूरे रह गए, कुछ आधे तो कुछ टूट के बिखर गए। याद है मुझे जब अगस्त आने वाला हुआ करता था, मम्मी एकदम सोचने लगती थी, ए बारी बड़की का बर्थडे ऐसे मनावे के वैसे मनावे के। पापा भी छुट्टी लेके आ जाया करते थे। और आज कहने को इतने सारे लोग ज़िंदगी में, लेकिन मैं देखिए शांति एकदम अकेली रह गई, क्योंकि अब ये बड़की नहीं शांति बन गई है। और मैं दौड़ी दौड़ी कभी कभी मौसी के घर जाया करती थी, और मौसी भी प्यार से मुझे अपनी भैंसिया का दूध पिलाया करती थी। मम्मी जब पूछती तो मैं बोलती ना, हम कुछ ना खा के आई नहीं हाँ, हम दूध ना पिए नहीं हाँ, और मम्मी तुरंत पकड़ लेती थी। अब सब याद आता है, वो एक हर एक चीज़ याद आती है, कैसे मम्मी थी तो सारे पराए भी अपने थे, आज मम्मी नहीं तो अपने भी पराए हो गए। कितनी खूबसूरत थी ये ज़िंदगी उस समय, क्या क्या सपने हुआ करते थे हमारे भी। मम्मी तब हमें छोड़ के गई थी जब हमें पता भी नहीं था कि माँ क्या होती है, और माँ का रहना और ना रहना क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं था। 1 साढ़े 6 साल की बच्ची को क्या पता। मम्मी मुझसे हमेशा बोलती थी कि बड़की मैं रहूं या ना रहूं अपनी बहनों का ख्याल रखना। मुझे नहीं पता था उस उम्र में कि वो ये बातें एकदम सीरियसली कहा करती हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो नहीं रहेंगी और बहनों का ख्याल मुझे और मेरा ख्याल मेरी बहनों को रखना पड़ेगा। आज 26 अगस्त है, जब से माँ गई तब से लेके आज तक कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है मेरा। और बस ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनमें माँ की यादें हैं, और कैमरा भी पता है उतनी साल पहले मेरे लिए ख़रीद के आया था, ताकि मेरा कोई भी मोमेंट जो है वो
अधूरा ना रह सके, क्योंकि मम्मी हर एक चीज़ को आज से 20 साल पहले तक की फ़ोटो भी हमने संभाल के रखी है, क्योंकि बस यही कुछ यादें हैं माँ की जो हमारे पास है। सबकी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आता रहता है, लेकिन उस रात हमारी माँ नहीं गई थी, हमारी ज़िंदगी की, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, हंसना हम भूल गए कि हंसना क्या होता है। आज ज़िंदगी में अकेली हूँ, बस माँ की याद आती है और दिल बस एक ही बात कहता है, माँ काश आप होती, फिर से लोग आते, फिर से केक कटता, फिर से मिठाइयाँ बनवाती, फिर से आप बंटवाती, फिर से मुझे अपने पास बुलाती। और आपको तो पता ही है, छेने का मिठाई और रसगुल्ला मुझे कितना पसंद था, सबके साथ तो खाती ही थी। माँ चुपके से भी देती थी रूम में बुला के, बोलती थी ये जी खा ले। काश आप होती तो सब कुछ होता, कुछ भी अधूरा अधूरा सा, इतना अकेला अकेला सा नहीं होता। पता नहीं वो बड़े पापा, दादा, दादी, किसी को बर्थडे याद है भी या नहीं है, पता नहीं, क्योंकि आप जो नहीं हो, और आपकी ये बड़की नहीं शांति बन गई है, बहुत आज आपकी याद आ रही है। मिस यू सो मच मम्मी, आप होती तो माथे को चूमती और वो एक रसगुल्ला हाथ में थमाती और बोलती हैप्पी बर्थडे बड़कलाल। बस आप जिस भी दुनिया में हो, आपसे ये दुआ है, हमारा साथ मत छोड़ना, अपना प्यार हम पे यूं ही बनाए रखना। और फिर से आप एक बार यही कह दो कि हैप्पी बर्थडे मेरी बड़की।